भेज दीजिए उसको, वहाँ एक पुल बनाया है और बहुत तबीयत से वो काम और उसका लेके खड़ा है वहाँ लोकसभा घाट में। इतना आक्रोश है आप लोगों में? हम लोग सहमत उसका नहीं है, मगर वो बेवकूफ बना के हम लोग को चला गया। अब तक नहीं दिखाई दिया वो कि अंधा है कि अच्छा है। वो सारा आदमी को बेवकूफ बना के चला गया डॉक्टर जावेद। वो अपना माँ को भी इलेक्शन में खड़ा करता है कि मेरा मुर्गा मुझे हलाल करे। पब्लिक को बेवकूफ बहुत बनाया वो, यानी वादा के खिलाफ आ गए। वो टोटल वादा के लायक नहीं है, वो इंसान का गिनती में नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। एक भी काम नहीं किया? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है उसका, कोई काम नहीं है उसका। देखिए यहाँ पर एक तरह से मास्टर मुजाहिद की लहर मुझे देखने को मिल रही है। और आइए, कौन बोलने वाले थे? मास्टर मुजाहिद ही है यहाँ पर, कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं, टिकने वाला है ही नहीं यहाँ पर, बस मास्टर मुजाहिद जिंदाबाद। आखिर आप लोग डॉक्टर जावेद से इतना खफा क्यों हैं? क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। इंसान तो है? नहीं नहीं, जानवर है वो, जानवर है बिल्कुल। इंसान है, इंसान तो है, लेकिन लायक नहीं है। लायक मंद नहीं है। जो काम करना चाहिए था उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। नहीं निभाई है। कोई काम ऐसा है जो आप बता सकते हैं डॉक्टर जावेद द्वारा? जब देखे ही नहीं 3 साल में तो बताएंगे कहाँ से उसका पूरा। डॉक्टर जावेद को नहीं देखा? नहीं देखे हम, कभी नहीं देखे, कभी नहीं, समय नहीं। आम जनता से, आम जनता, हम लोग मास्टर मुजाहिद को चाहते हैं, क्लियर बात है, जो उस हालात में वो आना चाहिए। दुख सुख में हर जगह साथ देते हैं हम लोग, जो आदमी सामने रहे, हमारे पास रहे, कोई चीज वक्त पर तुरंत आ जाए, वही चीज चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं। डॉक्टर जावेद ने एक तरह से धोखा किया है? जी बिल्कुल, धोखा किया, जी जी धोखा किया, बहुत बुरा धोखा किया वो। उसका शकल नहीं देखे हम लोग, अपने एमपी का शकल देखा ही नहीं हम लोग, तो कैसा कौन सा शकल का है वो? और कोई बंदा से वो हाथ नहीं ले रहा है तो मतलब 20 बार वो साबुन से हाथ धो रहा है वो, समझ रहे? हाँ, डॉक्टर जावेद साहब वो तो जब कोरोना था तब धोते थे, सभी धोते थे, अभी भी धो रहा है वो। अभी कौन सा कोरोना है? अभी कोई ना, अभी भी धो रहा है वो। तो इसका मतलब है कि किशनगंज से पत्ता साफ करने की तैयारी में? पत्ता साफ है वो, कांग्रेस से भी आएगा तो पत्ता साफ ही है उसका। फिर मास्टर मुजाहिद को कैसे जिताएंगे आप? वो करवट नेता है वो, आज वो हरा हुआ है, आज का भी डेट में वो दुख सुख में शामिल है वो। फिर भी जिताऊंगा। अगर टिकट नहीं मिली तो कैसे जिताएंगे? मिलेगा, निर्दलीय से उसको जिताएंगे। इंडिपेंडेंट जिताएंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट जिताएंगे, इंडिपेंडेंट। और आपके माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से, हम महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करा करके टिकट दीजिए, जो जीतने वाला आपका कैंडिडेट है उसको टिकट दीजिए। एक बार सर्वे करा लीजिए, मास्टर मुजाहिद के नाम का सुनामी चलेगा इस बार लोकसभा क्षेत्र में। चलिए, सुनामी मोदी के बाद मास्टर मुजाहिद की सुनामी। भाई आप लोग जब शांत कैमरा के पीछे, आप लोग रहे, बिल्कुल आइए। डॉक्टर जावेद को किसने देखा है? हाँ, क्या बोलेंगे? डॉक्टर जावेद को देखा है? हाँ देखे तो हैं। कहाँ देखा? संता हाट में ही देखे हैं। फिर क्या हुआ? इलेक्शन के मौके पर देखे थे, उसके बाद और मुलाकात भी नहीं हुआ है। शायद वो पहचान जाएगा बड़ा फोटो देख करके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मशरूफ आलम। और क्या कहेंगे आप? काम क्या किया है? काम जब आदमी नहीं आता है तो काम का क्या पता होगा। प्रधानमंत्री भी तो गली गली नहीं जाते, लेकिन काम तो होता है। ये जवाब तो होता है, बात है जी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, दौरान वो भी गली गली जाते, गली गली जाते। लेकिन हमारे सांसद ऐसे हैं, हमारे एमएलए ऐसे हैं कि हमारे लोगों का ध्यान ही नहीं लगता है बिल्कुल। सरकारी अस्पताल कैसा? अभी फिलफोर मोदी जो पैसा दिया है किसान सम्मान निधि का, किसान कह करके, किसान का खाता में पैसे नहीं घुसा है। किसी खाता में न पोस्ट ऑफिस में घुसा है। कोई किसान है? ये सब जितना ग्रामीण बैंक है किसी का खाता में पैसे नहीं घुटा है। कोई किसान है यहाँ पर बताना? कोई है? किसान है। कौन किसान? खाता है आप लोग का? मोदी जी का जितना वादा है सब जुमला है, ठीक है? मोदी जी बोले बेरोजगारी हम घटाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई काम नहीं हुआ। गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, किसान लोग परेशान है, ठीक है? तो मोदी जी का सब जुमला है, इस बार मोदी जी का विदाई तय है और महागठबंधन इंडिया इस बार सरकार बना करके देश में शांति और सद्भाव कायम करेगी। इंडिया
वाले हैं आप लोग, इंडिया वाले, इंडिया वाले हैं जी, भारत वाले हैं जी, हिंदुस्तान वाले हैं जी। महागठबंधन की सरकार बनाएंगे? जी जी महागठबंधन बनाएंगे हम लोग। 2024 में पीएम कौन होगा? अब पीएम हमारा तो तहकीत नहीं है कि पीएम कौन होगा। महागठबंधन राहुल गांधी, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, चली गई है। तो प्रियंका मुंडा बनाएंगे, प्रियंका बनाएंगे, आ जाएंगे। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला है और वो आ रहे हैं 4 तारीख को, और इसी इसमें जो है शीतकालीन सत्र में वो फिर मुद्दा उठाएंगे। आने वाले मुख्यमंत्री, आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। हाँ राहुल गांधी, जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी महागठबंधन वाले, इंडिया वाले बहुत। आइए सामने आइए, आइए सामने आइए, और कौन लोग हैं जो बोलेंगे? चलिए पहले मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं आपके विधानसभा क्षेत्र को कवर करूं और आपके सांसद ने क्या काम किया उन तमाम चीजों को मैं बताऊं। जी जी जी, चाय वाले, चाय वाले, उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे बात करूंगी, लेकिन आज वक्त की कमी है। जी बताएं। मैं साधना टीवी का रिपोर्टर, मैं सवाल ये रखना चाहता हूँ कि जो लोग आज इंडिया गठबंधन लेकर के लोगों को बताया जा रहा, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ये होना चाहिए था, इससे पहले जो लोग आज सत्ता परिवर्तन करके सत्ता में बैठे हुए हैं, भाजपा के साथ रह करके स्वास्थ्य की हालत खराब रही, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बदहाली रही, आज वो सरकार इंडिया गठबंधन में आके कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा तेजी से विकास कर रहा हूँ। मेरा सवाल उन लोगों से भी है कि जो कह रहे हैं आज भी विकास हुआ है, बताइए ये सड़क, मैडम आप इस सड़क की हालत देख लीजिए, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इतना स्लो काम हो रहा है क्या? गड्ढे गड्ढे में तब्दील है सड़क, लोग कैसे इनको मतलब ये करें? एक चीज दूसरा, सिटेट के छात्रों को पटना के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता नीतीश कुमार थे। के नाते मैं आपसे सवाल पूछूंगी, दल बदलने से कर्म नहीं बदलता, जो आप कल थे आज वही हैं, लेकिन कर्म बदलने के लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, क्या ईमानदारी है? मैडम इनमें तो कोई ईमानदारी लग ही नहीं रहा ना, भाजपा जो केंद्र में पहले थी वो लोग भी अगर इसी तरह से कर रहे हैं तो फिर किस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा? किस तरह से सत्ता परिवर्तन? लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो विकास पर काम कर सकते हैं। तय ये भी नहीं हुआ ना कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार कौन है, मॉडल कभी राहुल गांधी को कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम हैं, पहले ये तय करें कि किनको प्रधानमंत्री बनाना है। कई तरह के सवाल है, सवाल बहुत है। जी जी बोलिए। देखिए इंडिया गठबंधन जो बना है, जो लगभग 24 से 25 एलाइज पार्टीज है अभी और आने वाले दिनों में और पार्टियां इनसे जुड़ेगी, चेहरा कौन होगा आज देश के लिए इशू नहीं है। आज देश के लिए इशू है कि हिंदू मुसलमान एक प्लेट में बैठ करके खाना खाए। आज इशू ये है कि एक आम गरीब व्यक्ति आसानी से सफर कर सके अपने परिवार। मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। आज इशू ये है, जानते हैं मणिपुर एक छोटा सा, महीने से मणिपुर जल रहा है, औरतों को नंगा गैंग रेप कर करके थाने से पुलिस प्रशासन का सहयोग से उसका गैंग रेप किया जा रहा है और प्रधानमंत्री का मुंह सिर्फ 36 सेकंड के लिए खुलता है। ऐसे निरंकुश सरकार को यहाँ की अवाम उखाड़ के फेंकेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय कर लेंगे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग। हम लोग अपने लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कौन विकास कर सकता है, कौन गरीब का चेहरा का मुस्कान ला सकता है, कौन किस आंसू पोंछ सकता है, कौन किसान मजदूर की बात सुन सकता है, कौन रात को 2 बजे मुसीबत पड़ने पर हमारे बीच आ सकता है। ऐसा अगर कोई चेहरा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में, तो सिर्फ मास्टर मुजाहिद है। अभी मेरे छोटे भाई ने कहा SH-99 सड़क की बात, SH-99 यह सड़क जो अमोर बाईसी से लेकर के आपका दिगल बैंक को जोड़ती है, लगभग 600 करोड़ लागत से इसका टेंडर हो चुका है और काम भी चल रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की जो बात की है, आज से 15 साल पहले स्वास्थ्य की क्या सुविधा थी, या कितने लोग है पूछिए। आज रात को आप 2 बजे चले जाइए हॉस्पिटल, आपको डॉक्टर मिलेगा, आपको प्राथमिक स्वास्थ्य मिलेगा, आपको दवाई मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ कुछ काम में अभी भी कोताही है, मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब भी काम की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार पिछले 15-20 सालों से बिहार में अगर सबसे बड़ा काम किया है तो वह है करप्शन, वह है आपका क्रिमिनलिज्म, वह है आपका, आप आराम से रात को 10 बजे 2 लाख रुपए जेब में लेके घूम सकते हैं, कोई आपको छेड़खानी करने वाला नहीं है, कोई अगर करता है तो जेल के सलाखों में होता है। गुंडागर्दी पर कोई लगाम लगाया है तो वो नीतीश कुमार है। आज तक बिहार में कोई धार्मिक दंगा नहीं हुआ, अभी दरभंगा में दंगा हो रहा है, बिल्कुल सरकार उसमें काम करेगी। अभी नालंदा और बिहार शरीफ में हुआ था, RSS और बजरंग दल का जिला अध्यक्ष था वो जेल के हवाले में है। 2017 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में था, केंद्र का एक बड़ा मंत्री उसका बेटा भागलपुर में दंगा फैलाने का काम किया, नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए उसको जेल भेजने का काम किया। नीतीश कुमार कभी 3 चीज से समझौता नहीं करता है, चाहे वो कोई भी हो, नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करता है। गठबंधन तो राजनीति का धर्म है, जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो किसी पार्टी से गठबंधन करना ही
पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार किसी से छुप के काम नहीं करता है। राजनीति में कभी समझौता नहीं किया नीतीश कुमार। स्वास्थ्य की बात करते हैं, अस्पताल में अररिया का अभी अस्पताल में करके आए, दो बार मैंने रिपोर्टिंग की है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, अजान हो रही है।